दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट 27 इंच मॉनिटर के बारे में, जो कि फुल एचडी के रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, बजट कम है, 10,000 के अंदर अंदर जो है, काफी सारे कमेंट ऐसे भी देखने को मिलते हैं, 10,000 के अंदर कोई 27 इंच का मॉनिटर बताइए। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे 10,000 के आसपास ही रहने वाला, कोई कम तो कोई थोड़ा सा ज्यादा, उसके आसपास रहने वाले 27 इंच के मॉनिटर के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत अच्छे हैं। और वो सारे के सारे मॉनिटर जो है हमारे यहाँ यूज होते हैं कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। इसलिए मैं सही सजेशन दूंगा आप लोगों को कि कौन सा आपके लिए सही हो सकता है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम रही है। ये सब कुछ हम लोगों ने देखा है, जो सही है उनमें से उन्हीं के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और इन सभी का अगर दोबारा से रिव्यू देखना है तो हमारा नया चैनल बाबा टेक रिव्यू चैनल को जो है आप जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर बहुत ही डिटेल्स में इन सबका दोबारा से रिव्यू आने वाला है कि इतने साल यूज करने के बाद किसके साथ में क्या प्रॉब्लम आई, कौन सा मॉनिटर बहुत अच्छा चला, वो मैं अपना एक्सपीरियंस जो 2-4 सालों का जो एक्सपीरियंस चलाने का रहा है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। इसीलिए वहां पर आपको पता लगेगा कि कौन सा मॉनिटर कितना ड्यूरेबल रहा, कितने साल में, बहुत ही अच्छी जानकारी वहां पर आपको मिलने वाली है। बाकी यहां पर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से मॉडल आज के डेट में लेने लायक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे सस्ते में आपको जो है मिल जाएगा एसर का SA272E। ये 27 इंच का फुल एचडी जो है बहुत ही अल्ट्रा स्लिम है। अगर बिल्कुल स्लिम अगर आपको मॉनिटर चाहिए तो ये वाला मॉडल बाय कर सकते हैं, बहुत ही स्लिम है, मात्र 7.2 mm का ही थिकनेस है। दिखने में टेबल पर रखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, बिल्कुल जीरो फ्रेम के साथ में ये आता है, 100 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम के साथ में ये आता है, मिला जुला करके हल्की फुल्की गेमिंग्स में भी आपको इंजॉय करा देता है, और एक HDMI और एक VGA पोर्ट के साथ में ये आता है। एक माइनस पॉइंट इसके अंदर ये है कि इसको आप जो है आप स्टैंड पे माउंट नहीं कर पाएंगे, वॉल पे माउंट नहीं कर पाएंगे, वॉइस वर्सा के साथ में ये नहीं आता है, ये इसका सबसे बड़ी कमी है। नहीं तो ये मॉनिटर बहुत ही बेहतरीन है। इसी चैनल पे जो है इसका रिव्यू भी पड़ा हुआ है, पिछले करीब 3 से 4 सालों से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं और वॉल वगैरह पे माउंट करने का कोई प्लान नहीं है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो है प्राइस इसका 9,300 रुपए हो रहा है, वैसे इससे भी कम कई बार देखा गया है। तो 10,000 के अंदर आने वाला एक बेहतरीन मॉनिटर ये जो है आपके लिए हो सकता है। कलर्स वगैरह जो प्रोडक्शन में कलर प्रोडक्शन वगैरह होता है, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग्स वगैरह बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा मॉडल इनका है एसर का ही KA270-E मॉडल, ये ब्लैक कलर में है और ये स्लिम नहीं है, ये थोड़ा सा आपको मोटा मोटा सा दिखेगा, गेमिंग्स वाला फील देगा, लेकिन गेमिंग नहीं है, गेमिंग्स वाला फील देगा ये आपको। और इस मॉडल के अंदर, इस मॉनिटर के अंदर सस्ता होते हुए आपको वॉल माउंट का जो है फैसिलिटीज के अंदर मिल जाती है, आप इसको वॉल पे माउंट कर सकते हैं। बाकी फुल एचडी है, आईपीएस पैनल के साथ में आता है, 1 ms का रिस्पांस टाइम मिलता है, 100 Hz रिफ्रेश रेट के साथ में ये भी आता है, AMD फ्रीसिंग के साथ में ये आता है, और 99% sRGB के साथ में आता है, कलर प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा है, और पिछले वाले मॉडल की तरह ही एक VGA पोर्ट मिलता है और एक HDMI मिलता है, और HDMI केबल साथ में बॉक्स के साथ में ये आती है। तो मिलाजुला करके स्पेसिफिकेशन दोनों का सेम है, बस ये ब्लैक है वो व्हाइट मिलेगा, और ये ब्लैक के साथ में आप इसको वॉल पे माउंट कर पाएंगे, ये फैसिलिटी मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो इस वक्त इसका प्राइस 8,920 रुपए है, बहुत ही कमाल का प्राइस है। इस प्राइस में अगर आपको 27 इंच चाहिए तो इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं मिलेगा, कलर प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो एसर का ही नेट्रो मॉडल, एसर नेट्रो VZ270M3 मॉडल, और इसके हमारे पास 3 पीस हैं। पिछले 5 साल से लेकर के बीच में हमने लगातार इसको 3 पीस खरीदे हैं। रीजन उसका ये है कि अपने आप में कम बजट के अंदर सबसे बेहतरीन मॉनिटर ये हो सकता है। गेमिंग मॉनिटर के अंदर रहते हुए इसका प्राइस बहुत ही कमाल का है। ये मॉनिटर कलर प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अच्छा है, अगर सिर्फ ये दिया जाए तो आप कोई कमी नहीं निकालेंगे इसके अंदर। लेकिन कोई गेमिंग मॉनिटर कोई दूसरा थोड़ा सा महंगा है, 15,000-16,000-20,000 तक का है, और उसके साथ में रख करके अगर आप इसको कंपैरिजन करेंगे तो लगेगा कि इसके अंदर थोड़ी सी कलर में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लग रही है, लेकिन वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। कम बजट के अंदर आने वाला एसर का नेट्रो ये बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर है। 0.5 ms का रिस्पांस टाइम इसके साथ में आता है, IPS भी है, गेमिंग है, IPS भी है, क्या चाहिए, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहे, और sRGB 99% है, HDR10 है, 2 इसके अंदर HDMI आता है और 1 DP पोर्ट आता है, और क्या ही चाहिए, कमाल के हैं। इस बजट में ऐसा मॉनिटर कोई और नहीं दे
दे सकता जिस रेट में ये एसर का निट्रो का ये जो मॉडल आता है। प्राइस इस वक्त बहुत ही लाजवाब है, मात्र 11,390 रुपए का। जब हमने लिया था इसको, जो पहला लिया था, तो वो तो 16,000 रुपए के आसपास में लिया था, तो फिर कोई 13,000 कुछ रुपए का, कोई 12,000 कुछ रुपए का, ऐसे मैंने ले रखा है। लेकिन इस वक्त ये 12,000 से भी कम हो रखा है, 12,400 रुपए समथिंग में ये आपको मिल जाएगा, जो कि गेमिंग्स मॉनिटर में ये बहुत ही प्यारा मॉनिटर आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं डेल के अंदर। डेल का ये मॉडल है SE2722H मॉडल। इस मॉडल का भी रिव्यू इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसको हम लोग करीब करीब 5 साल से यूज कर रहे हैं, फुल यूज हो रहा है और बड़ा ही बेहतरीन कलर प्रोडक्शन इसके साथ में है। लेकिन ये वाला जो मॉडल है वो VA पैनल के साथ में ये आता है, इसीलिए प्राइस इसका थोड़ा सा कम रहता है। क्योंकि आप कंप्यूटर चलाते हैं हमेशा फ्रंट पे ही रह करके चलाएंगे, लेकिन अगर मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं और कई लोग बैठ करके एक साथ अगर एंजॉय करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वाला जो मॉनिटर है वो नहीं है। सिंगल पर्सन बैठ के अगर काम कर रहा है तो VA पैनल भले ही है, लेकिन आपको फील नहीं होगा, बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट के साथ में ये आता है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ये आता है, फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी के साथ में है, ब्लू लाइट कट के साथ में ये आता है, ब्लू लाइट का इफेक्ट आपकी आंखों पर नहीं पड़ेगा। VA पैनल होने के साथ में भी खैर IPS की बात ही अलग है, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। फुल HD के साथ में ये आता है, प्राइस बहुत गजब है, कमाल का है। डेल जैसा ब्रांड होते हुए 8,799 रुपए का प्राइस है, यानी करीब करीब 8,800 रुपए का, 8,800 रुपए का 27 इंच मिल रहा है आपको। सिर्फ VA पैनल है इसके साथ में, लेकिन टेंशन ना लें, अगर आपको मीडिया कंज्यूम नहीं करना है, सिंगल पर्सन सिर्फ काम करना है, तो कहीं भी VA पैनल का कमी फील आपको होने नहीं देगा। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो डेल का ये मॉडल आ जाता है, डेल का S2721। ये भी मॉडल हमारे यहाँ यूज हो रहा है, पिछले 4-5 साल से यूज हो रहा है। 27 इंच का मॉडल है ये, फुल HD के अंदर आएगा, ये IPS पैनल वाला है। 75 हर्ट्ज के साथ में ये आता है, 99% sRGB के साथ में आता है, 300 nits की ब्राइटनेस होती है, लो ब्लू लाइट के साथ में ये आता है, आंखों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी IPS पैनल है तो आंखों पर स्ट्रेस आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। HDMI के 2 पोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में ये आते हैं, बहुत ही अच्छा है। 3 साइड से बेजल बहुत ही कम होता है, बहुत ही प्रोफेशनल मॉनिटर है और दिखने में लुक्स वगैरह हर चीज, यानी वीडियो एडिटिंग्स में बहुत ही कमाल का होता है ये। हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल एडिटर है वो ज्यादातर इसको यूज करना पसंद करता है और उसी के पास ये है और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देता है। भले ही 75 हर्ट्ज के साथ में ये आता है, लेकिन फील नहीं दिलेगा, बहुत ही स्मूथ चलता है। प्राइस की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्राइस है इस वक्त, 11,999, 12,000 के अंदर मिल रहा है। कई बार इसको 11,000 रुपए के आसपास भी देखा गया है। 5 साल की वारंटी के साथ में आता है, बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो सैमसंग का 27 इंच का मॉनिटर, इसका भी रिव्यू इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। जितने भी हमारी टेस्टिंग की वीडियो देखते हैं आप, या फिर बाबा टेक रिव्यू पर जो टेस्टिंग हम लोग करते हैं, जो टेस्टिंग पे जो मॉनिटर लगा हुआ है, वो मॉनिटर यही लगा हुआ है, 27 इंच का मॉनिटर लगा हुआ है। क्वालिटी सेम रहने वाली है, लेकिन ये 1800 कर्व में आएगा। अगर कर्व के साथ में चाहिए तो ये वाला मॉडल आप ले सकते हैं, 27 इंच के अंदर कर्व चाहिए तो इसको बाय कर सकते हैं। VA पैनल के साथ में आएगा, क्योंकि कर्व में VA पैनल का ही चलन है, सस्ता यही है, यही आपको बाय करना पड़ेगा। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो कर्व वाला है फिर भी आपको 10,300 रुपए में मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। तो सस्ते में कर्व का अगर आपको मजा लेना है, कर्व मॉनिटर चाहिए, तो बिल्कुल आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस में। बहुत अच्छा ये मॉनिटर आपके लिए कर्व के अंदर हो सकता है। बाकी इसी का फ्लैट मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं, IPS पैनल वाला, जो कि टेस्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये जो मॉनिटर है कर्व वाला मॉनिटर है। बाकी इसके अलावा बैंकियो की तरफ से आने वाला GW2790 ये भी हमारे पास करीब करीब 5 साल से यूज हो रहा है, 5-6 साल से यूज हो रहा है, ये बहुत ही काफी समय से हमारे यहाँ यूज हो रहा है। इसका कलर प्रोडक्शन बहुत ही कमाल का है और इसके अंदर जो है लो ब्लू लाइट का जो फंक्शन है वो बहुत ही कमाल का काम करता है। बड़ा ही फेवरेट मॉनिटर ये रहा है हम लोगों का, क्योंकि इस पर कितना भी समय तक आप काम करें आपके दिमाग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता, बड़ा ही रिलैक्स फील करेंगे आप, आपको थकान महसूस नहीं होगा। 99% sRGB के साथ में ये भी आता है, iCareU के साथ में आता है और ड्यूल HDMI और एक DP पोर्ट के साथ में ये आता है। बहुत ही अच्छा मॉनिटर ये है, इसको भी आप वॉल पे माउंट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। वॉल माउंट की बात करें तो Acer का जो पहला मॉडल था उसको छोड़ करके सारे के सारे जो है वॉल पे माउंट हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइस बहुत अच्छा आया हुआ, 11,498 रुपए प्राइस अभी फिलहाल का है, लेकिन ये 11,000 के आसपास में अब मिल जाता है, कई बार 11,000 से नीचे भी इसको देखा गया है। तो सही प्राइस के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जब भी अचानक कुछ घंटों के लिए जब प्राइस डाउन होता है तो वहां पर हम लोग अपना शेयर करते हैं। बाकी अगला जो मॉडल है वो है Lenovo L सीरीज का, जो कि बड़ा ही फेमस मॉडल रहा है, क्योंकि
ये इतना खूबसूरत स्टैंड के साथ में आता है और बहुत ही कम बेजल होता है, 3/7 से बेजल बिल्कुल ना के बराबर होता है, इसीलिए इसको जीरो बेजल लोग समझते हैं और वाकई में है भी और बहुत ही खूबसूरत टेबल पर रखा हुआ लगता है। एल सीरीज जो लेनोवो का जो मॉडल है ये लोगों ने बहुत पसंद किया है, ये बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम है, बहुत ही पतला है, सामने से बेजल भी बहुत ही कम है, बहुत ही लाइट वेट है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत मॉनिटर लगता है। 100 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में ये आता है, 99% sRGB के साथ में आता है, 4 ms का रिस्पांस टाइम इसके साथ में है, AMD फ्रीसिंग के साथ में आता है, 2 HDMI इसके अंदर आपको मिलेगा, 1.4 वाला और एक VGA पोर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा और 3 watt के 2 speaker इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, आवाज भी मिला जुला करके ठीक ठाक है, सिर्फ आवाज आपको मिलेगा, बाकी कोई एक्सपीरियंस खास होने वाला नहीं है। 3 ईयर की वारंटी के साथ में ये आता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो इस वक्त इसका प्राइस 12,400 रुपए है, लेकिन ये 12,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है। अब पहले ये बहुत महंगा हुआ करता था, पहले 16,000-17,000-18,000 तक हुआ करता था, लोग फिर भी खरीदते थे, अब तो ये काफी बजट में आ गया है, तो अब आप बिल्कुल इसका एंजॉय ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मॉडल की बात करें लास्ट में तो एक बोनस है जो कि 32 इंच का है, बहुत ही बेहतरीन प्राइस में 32 इंच का एसर की तरफ से आने वाला EB321HQ मॉडल है जो कि 32 इंच के अंदर है। एक्चुअल अगर हम साइज की बात करें तो 31.5 इंच है, लेकिन 32 इंच के अंदर ही हम इसको लेते हैं। IPS पैनल के साथ में फुल HD मॉनिटर है ये, बड़ा ही बेहतरीन मॉनिटर है ये, जिनको 32 इंच चाहिए कम बजट के अंदर तो इससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं हो सकता। 300 nits ब्राइटनेस के साथ में आने वाला है, HDMI पोर्ट और VGA पोर्ट के साथ में ये आता है। प्राइस की बात करें तो बड़ा ही बेहतरीन प्राइस है, मात्र 10,999 यानी कि 11,000 रुपए के अंदर 32 इंच का फुल HD IPS पैनल मॉनिटर के साथ में मिल रहा है, और क्या ही लेंगे आप, बहुत ही कमाल का मॉनिटर है ये, जिस बजट में आ रहा है बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर 27 इंच की रिक्वायरमेंट आपकी है और 32 इंच चलाएंगे तो और मजा आएगा, बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोज मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।